तो ये बानीहाल, बानीहाल रेलवे स्टेशन। कल रात हम यहाँ पहुँच गए थे 3 बजे, घर से चले थे कल दोपहर को 2:30 बजे अमृतसर से, और अच्छी रही। सांबा तक तो रोड बहुत बढ़िया थी, फिर सांबा से मानसर झील वाली रोड ली, वो भी ठीक थी, लेकिन बहुत सारे ट्रक खड़े हुए थे वहाँ। हमें पता चला कि ट्रक्स के लिए यहाँ टाइमिंग है, लेकिन छोटी गाड़ी को जाने देते हैं। तो हमें उधमपुर में नहीं रोका और जाने दे दिया। चनानी टनल क्रॉस की, फिर राजमा चावल खाए पीड़ा से। तो पीड़ा से लेके बानीहाल तक बहुत ट्रैफिक थी, ट्रक ट्रैफिक, और एक तरफा सी श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने वाली। तो समहाओ हम लोग चलते गए चलते गए, रास्ते में कोई अच्छी ढंग की जगह नहीं मिली, तो यहाँ बनिहाल रेलवे स्टेशन के पास आके यहाँ पर गाड़ी में सो गए। 3 बजे पहुँचे रात को। तो ट्रिप की पहली रात बानीहाल रेलवे स्टेशन पे। 3 बजे सोए और मेरे ख्याल में 5:45 बजे उठ गए थे, ठीक ठाक नींद आई, एवरेज। तो चलिए, फर्स्ट नाइट तो हमेशा ऐसे ही होता है। नीरू बैठी है ऑलरेडी रेडी। तो जैसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप। अभी अभी हम एंटर किए कश्मीर में, और ये खूबसूरत पीर पंजाल माउंटेन रेंज। और ये श्रीनगर की ओर।
बजे हैं, कल 2:30 बजे घर से निकले थे, वो भी 24 घंटे नहीं हुए घर से निकले हुए। सोनमर्ग 40 किलोमीटर रह गया, करीब 500 किलोमीटर हमने ड्राइव किया 24 घंटे में। 3-4 घंटे सोए भी थे बनिहाल में। अमृतसर से उधमपुर तक तो रोड बहुत बढ़िया थी, चनानी टनल तक तो रोड बहुत बढ़िया थी। पीरा में राजमा चावल खाए, अच्छा लगा, लेकिन पीड़ा के बाद बनिहाल तक रोड बहुत खराब थी। ट्रक ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक सेंस भी बहुत खराब थी। नींद आ नहीं रही थी, सोने के लिए अच्छी जगह मिल नहीं रही थी, तो ड्राइव करते रहे और रेलवे स्टेशन बनिहाल में आके फिर हम सोए। 3 बजे सोए, सुबह 6 बजे उठ गए। वहाँ से श्रीनगर की रोड तो अच्छी थी, तो लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा थी और श्रीनगर सिटी में तो रश भी बहुत ज़्यादा था। मन नहीं किया रुकने के लिए, तो चलते गए धीरे धीरे। तो यहाँ पहुँच गए सोनमर्ग से 40 किलोमीटर पहले, तो यहाँ बहुत बढ़िया, खूबसूरत नदी, कल कल करता बहता पानी, ठंडी हवा, सफ़ेद पहाड़, खुशगवार मौसम, ग्रीनरी है, लैंडस्केप है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अब नीरू की कुछ तबीयत खराब हो गई, गाड़ी में सो रही है, मैं अकेला। इतना अच्छा होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि साथी ठीक नहीं है ना, जीवन साथी ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो सब अच्छा लगेगा। उसको अक्सर हो जाता है, सर्वाइकल हो जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, पहले भी होता है, नॉर्मली फर्स्ट डे के ट्रिप में होता ही होता है। नीरू पी रही है चाय, साथ में कुकीज दिखाओ, कुकीज भी तो दिखाओ। कहाँ कहाँ पे रहे? सोनमर्ग। ये देखो पीछे सफेद पहाड़। और नीरू थोड़ा थक गई है, तबीयत बिगड़ गई है, क्योंकि लंबी ड्राइव थी अमृतसर से करीब 500 किलोमीटर की।
हालांकि रास्ते में थोड़ा रेस्ट किया था लेकिन वो दैट वाज नॉट इनफ। ट्रक ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी, रोड भी बहुत खराब, फिर भी नीरू इज स्पिरिटेड। चीयर्स चीयर्स। तो ये नीरू का आखिरी ट्रिप है, क्यों? क्योंकि नीरू को बहुत अच्छा लगा, इस नीरू की तृप्ति हो गई है, इसलिए नीरू बोल रही है इसके बाद मैं कभी नहीं लगा। यहाँ से हमने अभी कावा, चाय और कुकीज खाए। बहुत भीड़ है यहाँ पे, ये शायद टैक्सी स्टैंड है। और ये देखिए कितना खूबसूरत पहाड़, खूब रश। ये ताजीवास ग्लेशियर से आ रहे हैं बड़े। नीरू कर रही है एंजॉय छली।